हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। जैसा कि आप सभी जानते हैं टेंस के जो 12 पार्ट होते हैं उसमें नेगेटिव बनाने का रूल क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, खासकर हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर, जिस तरह से ही इज पुअर, ही इज नॉट पुअर, ये सिंपल प्रेजेंट वाक्य है। ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। आई सा द ताजमहल, आई डिड नॉट सी द ताजमहल, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही विल गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। आई मीन टू से हेल्पिंग के तुरंत बाद नोट लगाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर, 12th स्टैंडर्ड पर और इंग्लिश कंपटीशन में इस तरह का नेगेटिव नहीं पूछा जाता, उसमें कुछ अलग ही तरह का नेगेटिव पूछा जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं नेगेटिव बनाने के 6 रूल। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि हम आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अमेजिंग वीडियो लेक्चर बताने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 6 रूल। पहला रूल देखते हैं, पहला रूल क्या है। पहला रूल है अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने के नियम। पहला रूल है अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम के प्रयोग द्वारा। आपको क्या करना है, आपको नोट लगाकर जो अफर्मेटिव में दिया है वर्ड, उसका एंटेनिम, उसका विलोम शब्द, उसका अपोजिट वर्ड रखना है नोट लगाने के बाद। देख लेते हैं, ही इज पुअर, पहला सेंटेंस है ही इज पुअर, वह गरीब है, तो इसका इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर या जो इंग्लिश कंपनी में पूछा जाता है उसको सेंटेंस नेगेटिव क्या बनाएंगे, ही इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। तो पुअर का जो अपोजिट वर्ड है वो रिच है, ये इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर नेगेटिव बनाने का फार्मूला है। हाई स्कूल में क्या करते हैं, हाई स्कूल में इज एम आर या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर नेगेटिव बनाने का रूल अलग है। पहला रूल है अपोजिट वर्ड के प्रयोग द्वारा, अपोजिट वर्ड के द्वारा, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जिस तरह से दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं, नेगेटिव क्या बनाएंगे, दे आर नॉट डिसऑनेस्ट, वे बेईमान नहीं है, यानी कि ऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड डिसऑनेस्ट। अब देख लेते हैं दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है एडवर्ब टू को हटाकर, एडवर्ब टू को हटाकर नेगेटिव बनाना, जिस तरह से सुमित इज टू फैट टू रन, सुमित इज टू फैट टू रन, इसमें टू के स्थान पर सो लगाते हैं, सुमित इज सो फैट, इसके बाद वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद दैट लगाते हैं, दैट के बाद वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही सी इट दे या वन में से किसी को लगाते हैं, क्योंकि सुमित जो है वो नाउन है तो ही का प्रयोग करेंगे और मेल है ही कैन नॉट रन। दोबारा देख लेते हैं सेंटेंस को, सुमित इज टू फैट टू रन, सुमित इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। ये जो सेंटेंस है ये रिमूव टू के रूप में भी आता है, टू को हटाने के रूप में भी आता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन अंतर्गत ऐसा सेंटेंस रिमूव टू के रूप में पूछा जाता है। अगला तरीका देखते हैं डिग्री ऑफ कंपेरिजन में परिवर्तन करके, तीसरा तरीका देखते हैं, तीसरा मेथड देखते हैं डिग्री ऑफ कंपेरिजन में परिवर्तन करके। जिस तरह से सेंटेंस देखिए आप, सोहन इज वाइजर देन मोहन, सोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो नेगेटिव क्या बनाएंगे, मोहन इज नॉट सो वाइज एज सोहन, मोहन इतना बुद्धिमान नहीं है जितना सोहन। इसके बाद फोर्थ स्टैंडर्ड का वाक्य देखते हैं, यानी फोर्थ मेथड देखते हैं, एज सून एज को नो सूनर में बदलकर भी नेगेटिव बनाते हैं, जिस तरह से एज सून एज ही थीप सा दी पुलिस ही रेन अवे। देख लेते हैं ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, एज सून एज दी थीप सा दी पुलिस ही रेन अवे, एज सून एज को नो सूनर में बदल देते हैं
नो सूनर आप सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में बदलने के लिए डिड का प्रयोग करेंगे, डिड द थीफ सी द पुलिस, सा को सी कर दिया, सी द पुलिस, कोमा के स्थान पर देन का प्रयोग करेंगे, देन ही रेन अवे, देन के बाद वाले वाक्य को नहीं बदलेंगे। दोबारा देखते हैं सेंटेंस को, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। एज सून एज द थीफ सा द पुलिस कोमा ही रेन अवे, कोमा इसलिए बोला मैंने क्योंकि कोमा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लगाया, इसके बाद डिड का प्रयोग किया और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया। किस तरह से? नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, इसके बाद कोमा के स्थान पर देन लगाया और बाद के वाक्य को सेम पर सेम लिख दिया, ही रेन अवे, देन ही रेन अवे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग तरीका आने वाला है, बड़ा ही ध्यान से देखना आपको। ओनली या एलोन के को नन बट में बदलते हैं। यदि वाक्य में ओनली या एलोन आया है तो निगेटिव बनाने के लिए नन बट का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं, ओनली अमित पास्ड, ओनली के स्थान पर नन बट लगा देंगे, नन बट अमित पास्ड, ओनली या एलोन के स्थान पर नन बट का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस एलोन का देख लेते हैं, सोहन एलोन अटेंडेड द क्लास, नन बट सोहन अटेंडेड द क्लास। अब आखिरी तरीका देख लेते हैं, इसके छह तरीके बताने वाले हैं आपको, पांच बता चुके हैं। सिक्स स्टैंडर्ड देखते हैं, सिक्स मेथड देखते हैं, डबल निगेटिव द्वारा। डबल निगेटिव का मतलब समझे आप, वी सा दी ताजमहल। यदि ये सेंटेंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर निगेटिव पूछा जाता है तो हो जाएगा वी डिड नॉट सी दी ताजमहल, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर या इंग्लिश कंपटीशन में आप इस तरह निगेटिव नहीं बना सकते। आपको क्या प्रयोग करना है, ही डिड नॉट फेल टू, ही डिड नॉट फेल टू सीधी ताजमहल, जो सेकंड फॉर्म दी गई है इसे फर्स्ट फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या करना है, ही डिड नॉट फेल टू सीधी ताजमहल। ऐसा वाक्य प्रेजेंट टेंस में पूछा जाता है, जिस तरह से ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वह प्रतिदिन अखबार पढ़ता है, तो निगेटिव क्या बनाएंगे, ही डज नॉट फेल टू रीड न्यूज़पेपर डेली, वह प्रतिदिन अखबार पढ़ने से नहीं चूकता है। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइस, डियर फ्रेंड्स, डीप ग्रामर के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, कन्वर्सेशन स्किल के लिए, किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दैट्स बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए वेरी नाइस डे।